देखिए, इसका मेन आपको फाइंड आउट करना है। कोई भी एक मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। इसके क्या करेंगे, हम टोटल 5 बॉक्सेस बनाएंगे इस तरह। एक दे रखा है मार्क्स, दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तीसरा लेंगे मिड वैल्यू ऑफ एक्स, चौथा लेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे इसको एफ वाई दे देंगे और इसको दे देंगे एक्स आई। यहाँ पर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एफ आई डी आई। चलिए इक्वेशन में क्या दे रखा है देखिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह दे रखा है। और ये भी दे रखा है 20, 24, 40, 36, 20। ये मिड वैल्यू ऑफ एक्स, ये दोनों का हाफ कितना होगा 5, ये दोनों का हाफ होगा 15, ये दोनों का हाफ होगा 25, ये दोनों का हाफ होगा 35, ये दोनों का हाफ होगा 45। चलिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 40, इसको ए ले लेंगे, या 0 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 -2 यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 इस तरह आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 22 ज़ा 40, 24 1 ज़ा 24, यहाँ पर आप ले सकते हैं 14 to 0 0, 36 1 ज़ा 36, 22 ज़ा 40। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -64, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 76। यहाँ पर आपको लिखना है सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 76 - 64, कितना होगा, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 76 - 64 2, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 12। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ये पूरों को प्लस कीजिए 140। और फार्मूला आपके पास है मीन इज इक्वल टू, डिविएशन मेथड का आप ले सकते हैं, ए प्लस एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए आपके पास क्वेश्चन में है 25, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आ गया 12, सिग्मा एफ आई है 140। इस तरह आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कैंसिल करना है, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 0, 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। 3 को आप 35 से डिवाइड करना है, 0 0 पॉइंट यहाँ पे 0 ले लेंगे, पॉइंट ले लिए। फिर 35 8 ज़ा आप ले सकते हैं 280, तो यहाँ पर 25 प्लस 0.8, ये दोनों को ऐड करेंगे 25.8 आंसर आ जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ दे रखा है इस टाइप का, एक आपको पूछेगा देखिए, ये पॉलिनोमियल्स का है। सबसे पहले आपको लिखना है एक्स, उसके बाद लिखना है एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखना है -6x, उसके बाद लिखना है 9, लास्ट में लिखना है वाई। इस तरह आपको लेना है। अब यहाँ पे चाहे तो आप वैल्यूज ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 तक भी आप चाहे तो ले सकते हैं, या 3 तक भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, ये इस तरफ या इस तरफ भी आप इस तरह भी ले सकते हैं। ये चाहे तो आप 4 तक लीजिए या 3 तक लीजिए, देखेंगे हम किस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। ये ले लिए, ये स्क्वायर है तो 0 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, -2 -+। ये 16 2 0 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ये -+, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, फिर ये 9 पूरों में उसी तरह रखेंगे, 9 9 9 9। अब देखिए इसको छोड़ के ये पूरों को ऐड कीजिए, 9 9 और 1 10, 10 में से 6 निकालिए 4, 9 और 4 13 में से 12 निकालिए 1, 9 9 18 में से 18 0, ये पूरों को ऐड करना 16, ये पूरों को ऐड करेंगे 25, ये पूरों को ऐड करेंगे 36। अब इसका सिंपल रफली ग्राफ ड्रॉ करूँ देखिए मैं, फिर आपको करना है इस तरह, आपको लेना है यहाँ पर, आपको लेना है एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपको लेना है वाई एक्सिस, यहाँ पर 1 2 3, -1 -2 -3, यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर 36 है, तो इसलिए आप 36 तक नहीं, आप क्या करेंगे, हम 5 5 करके ले लेंगे, 5 10 15 20 25 30 35, ये -5 -10
-15, -20, -25, -30, -1, रफली आपको मैं बता रहा हूँ। ये 0 से 0 टू 9, 0 टू 9 यहाँ पर आएगा 10 से नीचे, 1 से 4, ये 1 से 4 5 से नीचे आ जाएगा, 2 से 1, 2 से 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 से 0 लाइन पर ले लेना, 3 से 0, -1 से 16, -1 टू 16, 15 से थोड़ा ऊपर, -2 टू 25, ये -2 टू 25, ये -2 टू 25, -3 टू 36, -3 टू 36 मानी 35 से ऊपर। अब इसको इस तरह आपने मिला लेना है, यहाँ पर बन रहा है। तो ये सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट ये 3 होगा, मतलब 3 इंटू 3, 3 3 9 होगा, 3 इंटू 3 होगा, इस तरह आपको लिखना है। चलिए देखेंगे क्या दे रखा है। प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 एंड इरेशनल। सपोज इसको हम क्या करेंगे, लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल बना लेंगे, इसको हम लोग रेशनल होगा, देन रूट 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना, दो रूट रहेगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको करना है। तो रूट 3 प्लस रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह आप लेना है। ए स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2ab रूट 3 इंटू 5 ले सकते हैं, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 प्लस 5 प्लस 2 रूट 3 5 जो 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए, 8 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ए 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इधर ला लीजिए -8, यहाँ पर 1 डालेंगे एलसीएम, 2 रूट 15 इज इक्वल टू क्यू एलसीएम हो जाएगा, 1 इंटू पी स्क्वायर, क्यू इंटू 8, 8 क्यू, ए रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर -8 क्यू, ये 2 नीचे आ जाएगा 2 क्यू। अब देखिए ये जो फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्म है, ये जो फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, तो ये इरेशनल है, इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर -8 क्यू बाई 2 क्यू आप लिखना, लिखे बाद आपको क्या करना है, देयर फोर क्वेश्चन रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल आपको लिखना है।